वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नू वाला पर। और यहाँ पर हमने एक सीरीज शुरू की थी कॉन्सेप्ट क्लास की। जैसा कि मैं आपके हमेशा से कॉन्सेप्ट क्लास लेता हूँ, ये सब्जेक्ट कोड था आपका BEGLA 138, जिसमें हम बात कर रहे थे रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स की। आपको पता है किसी भी लैंग्वेज में 4 स्किल्स होते हैं। इंग्लिश की बात करें, यहाँ भी 4 स्किल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। वो होते हैं आपके लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये 4 आपके जो होते हैं लैंग्वेज स्किल्स होते हैं, जिनमें से हम यहाँ पर केवल 2 की बात करेंगे। एक तो करेंगे किसकी, रीडिंग स्किल्स की, और एक हम बात करेंगे स्पीकिंग स्किल्स की, यानी कैसे किसी टेक्स्ट को अच्छी तरीके से हम पढ़कर कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं और कैसे हम किसी चीज़ को बेहतर एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने स्पीकिंग स्किल्स की तरह। डन दोस्तों, इतनी बात अगर आपको क्लियर हो तो आपको याद होगा कि मैंने कराए थे आपको 2 ब्लॉक्स। कितने ब्लॉक्स करा दिए थे मैंने आपको? 2 करा दिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका ब्लॉक 3, जिसमें हम बात करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। किनकी दोस्तों? कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि आपके एग्जाम में आएंगे, या तो दिसंबर 2023 में अगर आपका एग्जाम है वहां भी आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे, और अगर आप पेपर में अटेम्प्ट करेंगे कहा जून 2024 में, तो वहां भी आपको यही क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे जो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो उम्मीद है क्लास आपको पसंद आएगी, हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए। और ये क्लास थोड़ी सी लंबी चलेगी, 20-22 मिनट में, जिसमें मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके दूंगा। उम्मीद है यहाँ तक अगर बात आपको समझ में आई हो, चीज़ें आपको साफ साफ सुनाई दे रही हो, है ना, मेरी बात अगर आपको समझ में आती है, और अगर आपका कोई भी उसके बावजूद भी डाउट बनता है तो आप क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता ही है मैं आपसे डिस्कस करता हूँ हर ब्लॉक का सिलेबस। अगर बात करें हम ब्लॉक 3 की, तो इसका सिलेबस क्या होगा, सबसे पहले हम ये देखते हैं। देखिए, इसका टॉपिक क्या है, स्पीकिंग स्किल्स। यानी हम यहाँ पर बात करेंगे ऐसे स्किल की जो यूज होते हैं किसमें, स्पीकिंग में। इस पूरे ब्लॉक का जो टाइटल है वो क्या है, स्पीकिंग स्किल, है ना। तो इसका मतलब हमें एक बात तो समझ में आ गई कि यहाँ पर जो भी बात होगी वो स्पीकिंग से रिलेटेड होगी, जिसमें पहला टॉपिक आपका बनता है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। आपको पता है कम्युनिकेशन आज के समय में बहुत ज़्यादा जरूरी है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, 2 व्यक्ति आपस में खड़े होते हैं, एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, जिसे हम बातचीत कहते हैं, कम्युनिकेट कहते हैं। अच्छी तरीके से सामने वाले व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट करने का स्किल क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल होता है, बातचीत करने का स्किल। दूसरा हम आज पढ़ेंगे क्या, फॉर्मल कन्वर्सेशन, फिर इनफॉर्मल कन्वर्सेशन, और फोर्थ हम पढ़ेंगे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। फॉर्मल कन्वर्सेशन क्या होती है, जिसे हम ऑफिशियल कन्वर्सेशन भी कह सकते हैं, जो कि आपकी ऑफिस वगैरह में जो होती है ना, उसे हम कहते हैं क्या, फॉर्मल कन्वर्सेशन, जो कि फॉर्मल एनवायरमेंट में होती है, आपके स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्पिटल में, बैंक में, या फिर आपके ऑफिस में, मीटिंग में। डन दोस्तों, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन कहाँ होती है, जहाँ आपका क्या हो, फ्रेंड के साथ जो बातचीत होती है वो इनफॉर्मल कन्वर्सेशन होती है, या फैमिली के साथ बातचीत हो वो भी क्या होती है, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन होती है आपकी। टेलीफोनिक तो आपको पता है, जब हम क्या कर रहे होते हैं दोस्तों, फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं, फ़ोन पर क्या कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो उस कन्वर्सेशन को हम क्या कहते हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कहते हैं। यहाँ से एक सवाल 100% आपका एग्जाम में आएगा, ज़्यादातर चांसेस होते हैं इसके 3 स्टार आप इस पर लगाएंगे, इंपोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना कि पहली बात तो कम्युनिकेशन होता क्या, कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है, और 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा आज। चलिए क्लास को करते हैं शुरू। सिलेबस उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है, व्हाट इज कम्युनिकेशन, यानी जो आपका संचार है, हिंदी में हम इसे कहते हैं क्या, संचार। धन दोस्तों, या फिर हम इसे कह सकते हैं संप्रेक्षण, है ना। तो क्या होता है संचार या आपका संप्रेक्षण, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, कम्युनिकेशन द ह्यूमन कनेक्शन, कम्युनिकेशन क्या है, द ह्यूमन कनेक्शन, यानी 2 लोगों को जोड़ने के जो बेस वॉल है। ऐसा मान के चलिए कि अगर एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और एक व्यक्ति ठीक इसके सामने खड़ा है, और ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इन दोनों को अगर कनेक्ट करने का काम कर रहा है तो वो स्किल ही क्या कहलाता है, जो स्किल 2 लोगों को या एक व्यक्ति से अन्य लोगों को कनेक्ट करता है, उस स्किल को कहते हैं हम क्या, कम्युनिकेशन स्किल। इज की टू पर्सनल एंड करियर सक्सेस। भाई सीधी सी बात है, अगर आपको अपनी पर्सनल सक्सेस भी चाहिए और अपनी करियर सक्सेस भी अगर आपको चाहिए, तो आपको कम्युनिकेशन जरूर आना चाहिए। यही कारण है कि आप सक्सेस की बात करें तो सबसे बड़ा एग्जाम भारत का होता है UPSC। इसमें भी आप देख पाते होंगे कि फाइनल में क्या होता है दोस्तों, इंटरव्यू ही होता है ना इंटरव्यू, और उस इंटरव्यू में क्या चेक किया जाता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल, आपके बातचीत का ढंग, आपकी पर्सनैलिटी, सब कुछ चेक की जाती है। क्योंकि केवल पढ़ने के बाद आप प्री और मेंस तो क्लियर कर सकते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आप केवल शांत स्वभाव के व्यक्ति हो तो आप फील्ड पे एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर कैसे काम करेंगे, वहाँ तो आपको पब्लिक के साथ डील करना पड़ेगा ना, इसे हम कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग। हर व्यक्ति के अंदर आज के समय में ये टैलेंट जरूर होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं क्या दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग,
पब्लिक स्पीकिंग का मतलब ये होता है, आप कोई भी बिजनेस देख लो, कोई भी नौकरी देख लो, वहाँ पे कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर व्यक्ति को पब्लिक को फेस करना पड़ता है। आप देख लो डिलीवरी बॉय है, वो भी लोज क्या करता है, नए नए लोगों से मिलता है ना। अगर आप बात करें किसकी, किसी बिजनेस डेवलपर की, तो वो भी रोज नए क्लाइंट से मिलता है। अगर आप बात करें सेल्स एग्जीक्यूटिव की, तो वो भी क्या करता है, नए क्लाइंट से मिलता है। तो हर व्यक्ति को पब्लिक स्पीकिंग तो करनी ही करनी पड़ती है। अब इस पब्लिक स्पीकिंग को करने के लिए आपके पास कौन सा स्किल होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि कम्युनिकेशन स्किल जो होता है, इसे डेवलप करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने का प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। देखिए इसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे पार्ट होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में। ये आपके सामने जो प्रोसेस दिखाई दे रहा है ना आपको, ये कम्युनिकेशन प्रोसेस है। इसमें सबसे पहला होता है सेंडर। सेंडर कौन होता है, सेंडर वो व्यक्ति होता है जो इन्फॉर्मेशन को भेजने वाला होता है। जैसे इस क्लास को अगर आप ले रहे हैं तो सेंडर कौन है, मैं आपको क्या दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको क्लास दे रहा हूँ, तो मैं कौन हो गया, यहाँ पर सेंडर हो गया। अब मैं अपना मैसेज को क्या करूँगा, एनकोड करूँगा। एनकोड यानी कि किसी लैंग्वेज का यूज़ करके मैं बात को क्या करूँगा, कहूँगा। भाई सीधी सी बात है ना, लैंग्वेज का यूज़ करूँगा। अब ये दोनों प्रकार की लैंग्वेज होगी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं हिंदी भाषा का यूज़ कर रहा हूँ, तो हिंदी भाषा का भी यूज़ हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर साइन लैंग्वेज का भी यूज़ हो रहा है, क्योंकि मैं कई बार कोशिश करता हूँ कि आपको चीज़ें इशारों से भी समझाने की कोशिश करूँ। क्लियर। अब देखिए ये तो हो गया एनकोड द मैसेज। कौन करेगा मैसेज को एनकोड, सेंडर। जब ये मैसेज एनकोड हो जाएगा तो ये किसी ना किसी माध्यम के थ्रू क्या जाएगा, आप तक पहुंचेगा। जैसे अब YouTube चैनल के थ्रू पहुंच रहा है, जैसे किसके थ्रू पहुंच रहा है, YouTube चैनल के थ्रू पहुंच रहा है, जिसे कहते हैं चैनल। यानी भेजने वाला अपना मैसेज किसी चैनल के थ्रू भेजता है और फिर वो डिकोड होता है। यहाँ पर तो क्या होता है दोस्तों, एनकोड होता है जब हम मैसेज को सेंड करते हैं, और जब ये रिसीव हो जाता है तो इस मैसेज को क्या किया जाता है, डिकोड किया जाता है। कोडिंग डिकोडिंग आपने सुना होगा है ना, और फिर यही क्या होता है, रिसीवर यानी कि प्राप्तकर्ता तक पहुंच जाता है, प्राप्तकर्ता। ठीक है, और ये कौन होते हैं, आप सेंडर को कह सकते हैं अदाकर्ता। क्लियर। तो मैंने एक इन्फॉर्मेशन एनकोड की, यूट्यूब चैनल के थ्रू आप तक पहुंचाई, आपने उसे डिकोड किया और आप समझ गए कि सर कहना क्या चाहते थे। इसी प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। हमेशा याद रखो इस पूरे ही प्रोसेस में, इस पूरे प्रोसेस में बहुत सी चीज़ें मायने रखती हैं। जैसे पहला इन्फॉर्मेशन सोर्स, मैं मायने रखता हूँ कि नहीं रखता हूँ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा तो मेरे जो इन्फॉर्मेशन के सोर्स हैं, जैसे बुक्स में मैं से नोट्स बना के मैं आपको पढ़ाता हूँ, वो भी मायने रखता है कम्युनिकेशन में। ट्रांसमिशन यानी कि कैसे, किस चैनल के थ्रू हमारा क्या जा रहा है, कंटेंट जा रहा है, वो भी मायने रखता है। नॉइस यानी आवाज़, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आपको, आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो क्या आपको मेरी बात समझ में आती, बिल्कुल भी नहीं आती, तो नॉइस भी बड़ा मैटर करता है। रिसेप्शन और डेस्टिनेशन यानी किस मंजिल तक हमारा साउंड जाना है, कोई व्यक्ति हमसे 1 किलोमीटर दूर खड़ा है, क्या हम उसके साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। कम्युनिकेशन के लिए बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, नॉइस का ध्यान रखना पड़ेगा, डिस्टेंस का ध्यान रखना पड़ेगा, डेस्टिनेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन सोर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये पूरा एक प्रोसेस मैंने यहाँ पर आपको समझाया है, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। डन। चलिए अब हम आ जाते हैं आगे, ये तो था कम्युनिकेशन और उसका प्रोसेस। अब बात करेंगे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। 7 C's क्या होते हैं, सबसे पहले तो आप ये समझिए 7 C's होते क्या हैं। कभी भी आप किसी व्यक्ति के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप मुझसे ही कमेंट बॉक्स के थ्रू बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो किन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए, वही कहलाते हैं 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। 7 C's का मतलब क्या है कि ये जो 7 C's होंगे, इनके शुरुआत में क्या मिलेगा, इन वर्ड्स के आपको C से इन्हें कहते हैं कितने, 7 C's। देखो समझने की कोशिश करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन इज द बेस्ट बाय अ नंबर, बी सेट बाय अ नंबर ऑफ इम्पेडिमेंट्स। इसका मतलब ये है कि सीधी सी बात है, कम्युनिकेशन कुछ तत्वों पर तो निर्भर करता ही करता है, उन तत्वों की हम बात करेंगे। सबसे पहला है क्लियरिटी। सबसे पहला क्या, क्लियरिटी। हम और आप बीच में बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप हिंदी भाषा जानते हैं, मैं इंग्लिश भाषा जानता हूँ, मैं इंग्लिश में यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, आप हिंदी में पढ़ना चाह रहे हैं, इतनी बात तो आपको क्लियर हुई। क्या हम दोनों के बीच में कभी भी क्लियरिटी बन पाएगी, आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं बन पाएगी। कारण क्या, क्लियरिटी का मतलब ये, मैं साफ साफ बोलूँ, आपको साफ साफ समझ में आए, ये होना बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन में। दूसरा कंसाइजनेस। कंसाइजनेस का मतलब यह है कि बहुत छोटे रूप में सामने वाले के साथ बात की जानी चाहिए, बहुत लंबा चौड़ा कोई किसी की सुनता नहीं है। अगर मैं यहाँ आपसे टू द पॉइंट बात करता हूँ तो शायद आपको क्लास अच्छी लगती होगी, अगर फालतू की बकवास में करने लग जाऊँ तो वो कंसाइजनेस नहीं रह जाती। तीसरा आता है आपका कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस का मतलब यह है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो थोड़ा सा कैसा लगे, कंक्रीट लगे यानी मूर्त लगे। मूर्त का मतलब समझ लो, ऐसा लगे कि थोड़ा सा रियलिस्टिक मैं बोल रहा हूँ, तभी कम्युनिकेशन में मज़ा आता है ना। जो बातें रियलिस्टिक नहीं होती वो आपको बोर कर सकती हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है, अगर मैं आपके एग्जाम्पल, जब भी मैं आपके लिए एग्जाम्पल लेकर आता हूँ, डेली लाइफ से लेकर आता हूँ, अगर वो एग्जाम्पल में कुछ ऐसे लेकर आ लूँगा जो आपको आर्टिफिशियल लगे दोस्तों,
तो आप क्या उन बातों पे यकीन कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो कंक्रीटनेस होना बहुत जरूरी है, साथ साथ करेक्टनेस, जो बात आप बोल रहे हो ठीक ठीक बोले, कर्टेसी होना जरूरी है। ये क्या है आपका? ये है आपका कंप्लीटनेस, आपकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए, अधूरी नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक क्लास में आपको पूरा एक ब्लॉक कराता हूँ, अब इस क्लास में पूरा ब्लॉक थर्ड आपको कवर कराऊंगा, है ना, तो ये कंप्लीटनेस है अपने आप में। अगर मैं मान लो इसकी एक यूनिट कराऊं, फिर दूसरी कराऊं, फिर तीसरी कराऊं, कितनी सारी क्लासेस बन जाएगी, कहीं भी आपको कंप्लीट फील नहीं आएगा। लेकिन इस क्लास को लेने के बाद कम से कम आपको इतना तो लगेगा कि ब्लॉक थर्ड हमने कंप्लीट कर लिया है। चलिए, और सबसे जरूरी है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है सामने वाले को समझना दोस्तों, कंसिडर करना, समझ होना बहुत जरूरी है। वरना आज के समय में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? आपने सुना होगा ब्रेकअप, हुकअप, ये बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। कारण क्या है? कम्युनिकेशन बैरियर है। हम सामने वाले से बात करना नहीं चाहते, अपनी बात उस पर थोपना चाहते हैं। ऐसा है कि नहीं है? कंसिडरेशन की कमी है, समझ की कमी है दो व्यक्तियों में, इसलिए दोनों का संबंध आगे तक नहीं चल पा रहा। डन दोस्तों, इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई हो तो ये तो बात की थी हमने किसकी? कम्युनिकेशन की। उम्मीद है कम्युनिकेशन के जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है, और सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, ये मैंने आपको समझा दी। ये एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं आपके। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज अ फॉर्मल कन्वर्सेशन। देखिए, फॉर्मल कन्वर्सेशन होता क्या है? सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये जो फॉर्मल शब्द होता है ना दोस्तों, समझने की कोशिश करना आप, ये जो फॉर्मल शब्द होता है, फॉर्मल का मतलब होता है हिंदी में औपचारिक, क्लियर। और फॉर्मल का मतलब आप ऐसे भी मान सकते हैं ऑफिस रिलेटेड, है ना। हमारे घर परिवार यार दोस्तों को छोड़कर हम जहां भी अपना समय व्यतीत करते हैं ना, वो सभी फॉर्मल सिचुएशन होती है। फॉर्मल सिचुएशन में आपका स्कूल भी आ जाता है, है ना, क्लास भी आ जाता है ना, आपका ऑफिस भी आ जाता है, ठीक। अगर आपकी कोई शॉप है तो वो भी कहीं ना कहीं फॉर्मल सिचुएशन में आ जाती है। कारण क्या है? इन जगहों पर हम ऐसा व्यवहार नहीं करते जैसा हम घर पे करते हैं। आप देखो, ऑफिस में घर जैसे कपड़े पहन के चले जाते हो, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। स्कूल में घर के कपड़े पहन के चले जाते हैं, बिल्कुल नहीं। तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा फॉर्मल बिहेव करना पड़ता है, औपचारिक बिहेव करना पड़ता है। तो क्यों ना वहाँ पे बातचीत का ढंग भी कैसा हो? फॉर्मल हो। मानते हो नहीं मानते हो? बिल्कुल होना चाहिए। और फॉर्मल कन्वर्सेशन की खास बात क्या होती है? ये बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टफुल होती है। बहुत ज़्यादा क्या होती है दोस्तों? रेस्पेक्टफुल होती है। आप ही देखो, घर में आप जैसे भाई से बात करते हैं, क्या स्कूल में टीचर से वैसी बात करते हैं? कंपनी में बॉस से बिल्कुल वैसी बात करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पर थोड़ा सा रेस्पेक्टफुल का ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा सम्मान की बात वहाँ पर आ जाती है, इसलिए से हम कहते हैं फॉर्मल कन्वर्सेशन। इतनी बात आपको समझ में आई? देखिए, अब फॉर्मल कन्वर्सेशन इज क्वाइट सिंपली अ कन्वर्सेशन दैट टेक्स प्लेस इन फॉर्मल डोमेन। मतलब समझे आप, जो कन्वर्सेशन फॉर्मल एरिया में हो रही हो, फॉर्मल डोमेन में हो रही हो, वो होती है आपकी कौन सी कन्वर्सेशन? फॉर्मल कन्वर्सेशन। जैसे एन ऑफिशियल और डोमेन स्पेसिफिक पर्पस नॉट कंसर्निंग द पर्सनल इंटरेस्ट। सीधी सी बात है, यहाँ पर पर्सनल कुछ नहीं होता, सब प्रोफेशनल होता है। और प्रोफेशनल फील्ड में जब भी आप किसी से बातचीत कर रहे हो, अपने क्लाइंट से बात कर रहे हो, टीचर स्टूडेंट से बात कर रहा हो, टीचर प्रिंसिपल से बात कर रहा हो, प्रिंसिपल उससे बड़े ऑफिसर से बात कर रहा हो, वो सारी कन्वर्सेशन फॉर्मल होगी, क्योंकि दो ऑफिशियल्स के बीच में बातचीत यहाँ पर हो रही है। चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। पर इसमें एक बात जरूर याद रखना कि यहाँ पर यूज होता है फॉर्मल यूज ऑफ लैंग्वेज। फॉर्मल यूज ऑफ लैंग्वेज समझते हो आप? जैसे तू नहीं चलेगा, आप, समझ रहे हो? अब तुम देखो, कभी टीचर से हम कहते हैं तू पढ़ाता तो है नहीं, इसकी जगह हम क्या कह सकते हैं? आप हमें पढ़ाते नहीं है। रेस्पेक्टफुल प्लस फॉर्मल यूज ऑफ लैंग्वेज, ये होता है आपका फॉर्मल कन्वर्सेशन। उम्मीद है पता चल गया होगा आपको कि क्या है। देखते हैं, जब हम फॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो हम जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, किसमें? फॉर्मल कन्वर्सेशन में। उस भाषा की क्या खास बात होनी चाहिए जब हम कर रहे हो किसी के साथ फॉर्मल कन्वर्सेशन, और हम किसका यूज कर रहे हो? किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हो, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, पहला पॉइंट आपका, फॉर्मल कन्वर्सेशन हैज इट्स ऑन डिस्टिंक्ट कॉम्पोनेंट्स। यानी सीधी सी बात है, इसकी अपनी अलग विशेषताएं होती हैं। फॉर्मल कन्वर्सेशन की अपनी अलग विशेषताएं होती हैं। इसकी दूसरी खास बात जो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी, वो होगा यहाँ पर हमेशा इंट्रोडक्शन कैसा होता है? एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन से कहानी शुरू होती है और हमेशा एक स्पेसिफिक टॉपिक पे चल रही होती है, और फोकस होता है किस पर? केवल कन्वर्सेशन पर। भाई आप ही देखो, मान लो किसी कंपनी में मीटिंग चल रही है, किसी कंपनी में अगर मीटिंग चल रही है तो वहाँ पर सीधी सी बात है फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ होगा, और वो किसी ना किसी एक पर्पज को लेकर होती है हर मीटिंग, है ना। या तो मान लो कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ है, या कंपनी में कोई नया इनिशिएटिव आया है, कंपनी में कोई नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, या कंपनी को घाटा हो रहा है, वो सारी कंडीशन पर्पस बन जाती हैं। तो याद रखिए, फॉर्मल कन्वर्सेशन में हमेशा क्या होता है दोस्तों? कोई ना कोई पर्पस जरूर होता है। और साथ साथ द पार्टिसिपेंट्स एक्सचेंज देयर आइडियाज
एंड रीच द कंक्लूजन, यानी हमेशा वो क्या करते हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं किसमें, फॉर्मल कन्वर्सेशन में, वो अपने आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के आइडियाज शेयर करते हैं। मीटिंग में यही तो होता है, वो भी बोलेगा, बॉस भी बोलेगा, सदस्य भी बोलेंगे, फिर जाके वो किसी न किसी निष्कर्ष पे यानी कि कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। ये भी बात आपको याद रखनी है। द पार्टिसिपेंट्स एंड द कन्वर्सेशन, अब इसमें कन्वर्सेशन की एंडिंग कैसे होती है, हमेशा याद रखो गुड बाय, किससे होती है, गुड बाय। लेकिन आज के समय में ऐसा भी हम बोल देते हैं हैव अ नाइस डे, है ना, क्या बोल देते हैं दोस्तों, हैव अ नाइस डे, है ना, सी यू सून, ये सारे ऐसे शब्द हैं जो फोनवर कन्वर्सेशन के लास्ट में क्या होते हैं, बोले जाते हैं। इतनी बात अगर आपको क्लियर हुई हो तो हम बढ़ते हैं आगे। ये पूरी PDF फ्री ऑफ कोर्स नोट्स के रूप में आपको कहाँ मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसे आप जरूर क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिए। अभी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इस क्लास को 2 से 3 बार आप देखें। बहुत बढ़िया दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अब आ जाता है फॉर्मल कन्वर्सेशन का एग्जाम्पल। फॉर्मल कन्वर्सेशन का क्या एग्जाम्पल होता है, सीधी सी बात है, अगर फॉर्मल कन्वर्सेशन को आपको स्टार्ट करना है, ओपन करना है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं हेलो मिस्टर सिंह, हेलो मिस सिंह, ऐसे बोल सकते हैं आप हेलो प्रोफेसर, गुड मॉर्निंग मिस्टर सिंह, आप बोल सकते हैं गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग प्रोफेसर, हाउ आर यू, इस तरीके से आप अपनी फॉर्मल कन्वर्सेशन को क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। खत्म कैसे करना है, है ना, ग्रीटिंग कैसे करनी है किसी को, हेलो मिस्टर कुमार, हेलो अर्जुन, गुड मॉर्निंग मिस्टर कुमार, है ना, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, फाइन थैंक यू, अगर कोई आपसे पूछे हाउ आर यू तो इसका आंसर आप कैसे कर सकते हैं, फाइन थैंक यू। आप हमेशा याद रखिए कि फॉर्मल कन्वर्सेशन का जब भी आप एग्जांपल लिख रहे हो दोस्तों, तो कोशिश करना है कि उसमें थोड़ा रेस्पेक्टफुल हमें रहना है, फॉर्मल यूज ऑफ लैंग्वेज हमें करना है, कोशिश करनी है ऐसी वोकैबुलरी का हम इस्तेमाल करें जो बिल्कुल भी इररेस्पेक्टफुल ना हो, तू तड़ाक वाली भाषा यहाँ पर नहीं चलती। क्लियर दोस्तों, चलिए अब बात करेंगे हम अपने अगले टॉपिक की, जो कि है आपका व्हाट इज इनफॉर्मल कन्वर्सेशन। अब सीधी सी बात है, फॉर्मल कन्वर्सेशन का ठीक उल्टा ये होगा, आप भी कहेंगे बिल्कुल सर वो थी फॉर्मल और ये है आपकी इनफॉर्मल कन्वर्सेशन, है ना। देखिए एन इनफॉर्मल कन्वर्सेशन इज क्वाइट सिंपली अ रेगुलर कन्वर्सेशन। कैसी कन्वर्सेशन है ये एक रेगुलर कन्वर्सेशन है। रेगुलर मतलब जो हम सुबह से उठकर शाम तक घर में, परिवार में, दोस्तों में, यारों में, है ना, और आस पड़ोस में कभी भी किसी से भी किसी भी तरीके से जो हम बात करते हैं रेगुलरली, वो सब होती है आपकी इनफॉर्मल कन्वर्सेशन। क्लियर, अ पर्सन कन्वर्सेशन दैट मेक्स अ प्लेस इन अ इनफॉर्मल डोमेन। याद रखिए हमेशा ये कन्वर्सेशन कहाँ होती है, इनफॉर्मल एरिया में होती है। अब आप कहेंगे सर इनफॉर्मल एरिया होता कहाँ पर है, इनफॉर्मल एरिया होता है आपका, मैं आपको बता देता हूँ, आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड। क्लियर दोस्तों, फैमिली और फ्रेंड से जो बना जो एरिया होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, इनफॉर्मल एरिया कहते हैं। वहाँ पर क्या होता है, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन होती है। और याद रखिए ये हमेशा किसी पर्सनल इशू पर होती है, कोई प्रोफेशनल बात यहाँ पर नहीं होती, कोई पर्सनल इशू होता है, जैसे हम अपने दोस्त से कभी कभी लड़कीबाजी की बात करते हैं तो वो भी क्या है, हमारी इनफॉर्मल कन्वर्सेशन है। इनफॉर्मल कन्वर्सेशन रिक्वायर यूज टू बी रिलैक्स्ड। याद रखिए हमेशा इस कन्वर्सेशन में लोग रिलैक्स रहने चाहिए, कैजुअल रहने चाहिए, यानी कि ज़्यादा ऑफिशियल बनने की कोशिश नहीं होती यहाँ पर, एम्पैथेटिक रहते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं और कोशिश ये करते हैं कि इस कन्वर्सेशन का उद्देश्य जो होता है वो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कोई स्पेसिफिक मोटिव। जब आप अपने दोस्त के घर जाते हैं, क्या घर से सोच के जाते हैं कि आज मैं उससे इस मुद्दे पर बात करूँगा और किसी न किसी कंक्लूजन पर जरूर पहुँचूंगा, कभी ऐसा नहीं होता, करने कुछ और जाते हैं, बात कर कुछ और आते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता, बिल्कुल। इसलिए कहा जाता है कि इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में कोई स्पेसिफिक पर्पस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, याद रहेगा इतनी बात आपको। चलिए अब हम बात करते हैं कि जब इनफॉर्मल कन्वर्सेशन हो रही हो तो हम किस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, लैंग्वेज की क्या खास बात रहती है। याद रखिए इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में, किसी भी इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में आपको क्या करना है, अ फॉर्मल वन इन मल्टीपल वेज, यानी कि यहाँ पर आप अलग अलग तरीके से भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं और कोशिश कीजिए देयर इज एब्सोल्यूट फ्रीडम इन टर्म्स। एब्सोल्यूट फ्रीडम टर्म्स का मतलब यह है कि आप किसी भी शब्द का इस्तेमाल कीजिए, आप तू तड़ाक बोलिए। आपने देखा होगा इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में तो हम गालियाँ भी देते हैं कि नहीं देते हैं, बात बात पे देते हैं, जब तक दोस्त के साथ गालियों से बात ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। तो इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में कोई बैरियर नहीं होता, कौन सा वर्ड कौन सा टर्म आपको यूज़ करना है बोलते समय कोई बैरियर नहीं है आपके लिए, इतनी बात याद रहेगी आपको। आप अर्बन एक्सप्रेशंस का यूज़ कर सकते हैं, यानी शहरी भाषा जो आपकी होती है, आप स्लैंग्स का यूज़ कर सकते हैं जिसे आप बदतमीजी वाली लैंग्वेज कहते हैं, ब्रोकन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे ब्रोकन वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि पूरा शब्द ना बोल के आधा क्या कर रहा,
है ना, क्या कर रहा है, नहीं क्या कर रहा बोलते हैं ना, वो ब्रोकन वर्ड्स होते हैं हमारे। इसके अलावा ये हमेशा नेचुरल होती है, याद रखिए ये जो लैंग्वेज होती है आपकी नेचुरल होती है। देर इज अ होल इन्वेंट्री ऑफ एक्सप्रेशंस इन इंडिविजुअल स्टैंड रिजॉर्ट एंड इनफॉर्मल स्पेस। याद रखिए, हमेशा याद रखिए कि जब भी आप अपनी इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में हो तो कभी भी वहां पर बैरियर नहीं बननी चाहिए आपकी फॉर्मल कन्वर्सेशन। कभी आप अपने दोस्त से ऐसे मिलते हैं, फॉर एग्जांपल आपके दोस्त का नाम है सुमित, आप उससे कभी भी जिंदगी में ऐसे मिले हेलो सुमित आप कैसे हैं, ऐसे मिलते नहीं, और भाई बता क्या हाल है। तो हमेशा फॉर्मल कन्वर्सेशन को फॉर्मल रहने दीजिए, इनफॉर्मल को इनफॉर्मल रहने दीजिए, दोनों को मिक्स नहीं करना होता। दोनों के कम्युनिकेशन स्किल्स भी अलग होते हैं, दोनों के यूज ऑफ लैंग्वेजेस भी अलग होते हैं। फॉर्मल कंडीशन में आप क्या करेंगे, फॉर्मल लैंग्वेज यूज करेंगे, इनफॉर्मल में आप इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज करेंगे, स्लैंग्स का यूज करेंगे, लैंग्वेज अब्यूजिव भी हो सकती है, उसमें गालियां भी हो सकती हैं। इतनी बात आपको क्लियर हुई। चलिए अब आप कहेंगे सर इनफॉर्मल का भी एक एग्जांपल हमें दे दे तो मजा आ जाए। चलिए इनफॉर्मल का एक एग्जांपल ले लीजिए कि कैसे क्या करते हैं, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं। देखो सैंपल इनफॉर्मल गुड बाय है ना, सैंपल ऑफ इनफॉर्मल गुड बाय। जब भी हम किसी को इनफॉर्मल कंडीशन में गुड बाय कहते हैं तो कैसे बोलते हैं, देखिए नाइस मीटिंग यू, आंसर क्या मिलता है, यू टू, मजा आ गया तेर से मिलकर, वो कहता है यार तेर से मिलकर भी मजा आ गया, ठीक है टेक इट ईजी यार, टेक केयर, अपना ध्यान रखियो, आई एम ऑफ, आई एम ऑफ का मतलब बस हो गया मैं जा रहा हूँ, आई एम आउट मैं जा रहा हूँ, आई गोटा गो मुझे जाना है, सो लॉन्ग बहुत देर हो गई, सी यार मिलते हैं, सी यू लेटर बाद में मिलते हैं, बाय मजा आ गया, है ना। अब देखो आंसर क्या हो सकते हैं, ओके बाय, सी यू लेटर बाय, यही तो होता है कि नहीं होता है भाई, तुम ही सोचो, ये मैंने यहाँ लिख दिया, तुमने कहा होगा सर बड़ा कठिन सा ये तो इनफॉर्मल का एग्जांपल। अब तुम सोचो जब तुम्हारा दोस्त तुमसे एक घंटा बात करने के बाद घर जाने की बात करता है तो आप उससे कैसे बात करते हैं, आप उससे ऐसे बात करते हैं चल भाई मिलेंगे है ना, और क्या चल रहा है, मौज आ रही है, कैसी कट रही है, तो कहो यही तो कहते हैं, है ना। अब आप कहेंगे सर कैसी कट रही है को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, है ना, किलिंग द टाइम, कट रही है भाई किलिंग द टाइम। चलो अब वो जाते हो क्या कहता है, मजा आ गया यार देर से बात करके, चल मिलते हैं ना, मिलेंगे यार जब भी टोका मिलेगा दोबारा मिलेंगे, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते, तो वही तो है ये सी यू सून सी यू लेटर। क्लियर दोस्तों, तो आगे बढ़ जाते हैं हम और आज के अपने लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आपका। देखिए टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, देखिए मैंने अभी तक जो आपको टू टाइप्स ऑफ कन्वर्सेशन बताई वो थी फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब हम जिस कन्वर्सेशन की बात करने जा रहे हैं ये है आपका टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। टेलीफोनिक का कन्वर्सेशन का कोई मतलब नहीं है, आप केवल इतनी सी डेफिनेशन की याद रखिए, कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत, है ना। और जब यही बातचीत कहां हो रही हो, यही बातचीत फोन पर हो रही हो, यही बातचीत कहां हो रही हो दोस्तों, फोन पर हो रही हो, तो इसे हम कहते हैं टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। देखिए अ टेलीफोन और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन इज क्वाइट सिंपली एनी कन्वर्सेशन, ऐसी कोई भी कन्वर्सेशन जो कहां पर हो रही हो, ओवर अ टेलीफोनिक नेटवर्क, जो कहां हो रही हो किसी फोन पर हो रही हो, चाहे वो फोन कैसा हो, वायर्ड फोन हो चाहे वो वायरलेस हो। ऐसा नहीं है कि वही आपने गदर पिक्चर में देखा होगा अम्मू अब्बी ऐसे बोलता हो, अब्बू अम्मी ऐसे करके बात करती है वो सकीना, पुरानी वाली की बात करो नई वाली की बात नहीं कर रहा, तो उसमें आपने देखा होगा वायर वाला मोबाइल है तो वो भी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है। और आप आजकल जो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं वो भी क्या है, आपका टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, यानी कि किसी भी फोन पर बात होनी चाहिए चाहे वो वायर वाला हो चाहे वायरलेस हो, वो सारी ही कन्वर्सेशन जो फोन पर होती है ना, जो लड़कीबाजी की होती है सारा समझो, वही क्या है आपकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होती है। आगे देखिए सिंस टेलीफोन कन्वर्सेशंस कंप्राइजेस कंसिडरेबल चंक ऑफ आवर प्रेजेंट डे, भाई सीधी सी बात है, आप ही एक बात बताओ, जब किसी सुबह सुबह मोटर किसी अच्छे दोस्त का फोन आ जाए और दिल खुश हो जाए तो क्या है, हमारे लिए अच्छा नहीं होता। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हमारे मूड को बहुत अच्छा और बहुत बेकार बनाती है, इंपैक्ट डालती है हमारे बिहेवियर पर। और सबसे जरूरी बात यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है, टेलीफोनिक कॉल जो होती है ये फॉर्मल भी हो सकती है ये इनफॉर्मल भी हो सकती है। मान लीजिए आपके दोस्त का फोन आया तो इनफॉर्मल, मान लीजिए ऑफिस से फोन आया तो क्या होगा, फॉर्मल होगा, वैसे सीधी सी बात है, किसी कंपनी का फोन आया तो फॉर्मल, अगर दोस्त का मम्मी पापा का फोन आया क्या कर रहा है कहाँ है तो ये इनफॉर्मल हो जाएगा। चलिए इनफैक्ट हम ये भी कह सकते हैं, इतना भी हम कह सकते हैं कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन आज के समय में सबसे ज़्यादा होती है। आपने कॉल सेंटर्स का नाम सुना होगा है ना, ज़्यादातर कॉल सेंटर्स किस पे चल रहे हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे चल रहे हैं, ना वहाँ फॉर्मल होती ना इनफॉर्मल, वहाँ पर चलती है फ़ोन पर बातचीत। तो आज के समय बहुत ज़्यादा रोजगार आपको टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से ही मिलता है। आपने इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स का नाम भी सुना होगा जहाँ पर इंटरनेशनल कॉल्स मिलाई जाती हैं। अब देखिए किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, यहाँ पर वो पूछा गया आपसे कि आप किन किन बातों का क्या करेंगे ध्यान रखेंगे, इंग्लिश पढ़ा रहे थे आप ऐसे लिखिए कीप इन व्यू है ना,
इन्हें क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है जब आप क्या कर रहे हो, कोई भी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन आप कर रहे हो, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो वार्मथ ऑफ टोन, वार्मथ ऑफ टोन का मतलब ये होता है ज़्यादा गुस्सेले भाव से नहीं, है ना, आपको कोशिश ये करनी है बहुत शांत स्वभाव से सामने वाले से मीठी मीठी बात करें, आपकी जो टोन है, बोलने का जो लहजा है वो थोड़ा नरम आपको रखना है, है ना। आपने वो सुना होगा, वो कहते नहीं है तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं नहीं है, तो लहजा को थोड़ा ऐसे रखना है कि वो कहीं ना कहीं सामने वाले को गुस्सा ना दिलाए। कुछ लोग होते हैं फ़ोन उठाते ही गालियाँ बकना शुरू कर देते हैं और ये भी नहीं देखते कि वो व्यक्ति कर क्या रहा है, किस सिचुएशन में, नहीं, बस उन्हें अपने गुस्से का पता होता है। तो उससे क्या होता है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, प्रभाव पड़ता है। पेस का आप याद रखिए, पेस क्या है, कितनी तेज बोलना है, कितनी धीरे बोलना है ना, कितनी फास्ट फास्ट आपको बात करनी है। कुछ लोग होते हैं फ़ोन उठाते हैं, हेलो भाई कहाँ पर, मैं आ खड़ा हूँ जल्दी आ जा, सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आया। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में सबसे पहली बात आपको वार्मथ ऑफ टोन रखना है, यानी कि आपके बोलने का जो लहजा है बहुत नरमी वाला होना चाहिए, धीरे धीरे आपको बात करनी है, इन्फ्लेक्शन आपको रखना है, यानी राइज ऑफ फॉल ऑफ टोन, यानी कि कभी आपको तेजी बोलना पड़ सकता है और कभी मंदा भी। ऐसा होता है बात करते हो, बिल्कुल होता है, हेलो हाँ आ तो रहा हूँ यार, तुम समझते क्यों नहीं हो, करते हैं ना हम कभी कभी ऐसा, यही है आपका क्या, इन्फ्लेक्शन। और लाउडनेस का मतलब तो आपको पता है कि आवाज़ कितनी तेज होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे बात करते हैं कि कर फोन पे रहे हैं और पूरे मोहल्ले को सुनाई आ रहा है कि ये हेलो बोल रहा है और उसके घर में बातचीत चल रही है। और कुछ लड़कियां इतनी शातिर होती हैं कि वो मुंह के अंदर लीड दबा लेती हैं और साइड वाले को आवाज़ नहीं आती वो क्या बात कर रही है। आपने देखा होगा मेट्रो बसेज में, है ना, बस ऐसे मुँह से चबाते रहेंगे और बात होती रहेगी, हाँ मैं जा रही हूँ, तुम्हें केवल मुँह हिलता हुआ दिखाई देगा। तो लाउडनेस कई बार इतनी भी होती है कि आवश्यकता से ज़्यादा होती है, और कई बार इतनी होती है कि बस आवश्यकता ही पूरी होती है, साइड वाले को भी समझ में नहीं आता। तो उम्मीद है आज की क्लास में जो मैंने आपको समझाया, कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन और टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी दोस्तों, मज़ा आया होगा क्लास में। लास्ट ब्लॉक इसका 4 हम कल करेंगे, आज के लिए केवल इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।